सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने फोर्स में किया था अब हम ई वेक्टर में करेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई 5 कूलम का चार्ज है 1 मीटर दूर, आपको क्वेश्चन में कहा गया ई निकालने। रूल नंबर 1, जहां ई निकालने इमेजिन करें वहां कौन सा चार्ज है, +1। कोई पूछे यहां पे ई इज अ वेक्टर, डायरेक्शन बोले ई की क्या है, जो रूल एफ के लिए अप्लाई करते थे सेम रूल ई के लिए अप्लाई कर दें। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन राइट है, ई वेक्टर की डायरेक्शन भी राइट है। ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो ई में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, 1/4 pi epsilon naught 5/1 का स्क्वायर इज द आंसर। तो मैंने आपको ई की वैल्यू निकालनी सिखाई और मैंने आपको ई की डायरेक्शन भी सिखाई। नेक्स्ट सपोज करो -3 कूलम चार्ज है और 1 मीटर दूर मुझे ई निकालना है, तो इमेजिन करें यहां पर कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, +1। तो आपने +1 रखा, ये नेगेटिव चार्ज +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन ई वेक्टर की भी। बढ़िया है ना, फोर्स की कॉपी चल रही है, बस एक चार्ज गायब ही हुआ है। फोर्स बिल्कुल सेम है, फोर्स में 2 चार्ज है, ई में 1 चार्ज है, बाकी रूल तो सेम है। ई का मैग्नीट्यूड 1/4 pi epsilon naught 3/1 square, ई की कैलकुलेशन के अंदर भी यहां पर माइनस साइन नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि ई किससे बना हुआ है, फोर्स से। जब फोर्स में नहीं लिया फिर ई में कैसे लेंगे। तो ये इसकी वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे 8 कूलम 4 कूलम और मुझे यहां पे ई निकालना है। अब जहां पे ई निकालना है वहां ना चार्ज मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहां का चार्ज तो मैंने लगाना है। जहां ई निकालना है इमेजिन करो कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, +1। अब 8 कूलम इस +1 को क्या करेगा, रिपेल। तो ई क्या लगाएगा, 1/4 pi epsilon naught 8/1 का स्क्वायर, राइट। और ये 4 कूलम भी 1 को क्या करेगा, रिपेल। कितनी फोर्स लगाएगा, 1/4 pi epsilon naught 4/3 का स्क्वायर। दो वेक्टर्स आ गए, एक वेक्टर बड़ा होगा एक छोटा होगा। ई इज अ वेक्टर, नेट ई निकालने के लिए बड़े में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। आंसर यूनिट्स क्या निकलेंगे, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन नहीं न्यूटन पर कूलम। जैसे -3 और 5 कूलम है और मुझे ई यहां पे निकालना है। रूल नंबर 1, जहां ई निकालना है वहां चार्ज +1, तो ये लिखा मैंने +1। ये नेगेटिव इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसकी वजह से ई का कॉन्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और ये पॉजिटिव इस +1 को क्या करेगा, रिपेल। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेफ्ट, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ई में क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught 3/1 square और उसका क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught 5/7 square। 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ गया, न्यूटन पर कूलम में आंसर है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है।